हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है संयम बड़ोला और आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। बोर्ड ओरिएंटेड ये लेक्चर है, वो पीछे क्यों चले गए तो यार ये वाली जो पार्ट था एक्सरसाइज 2.2, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ रहे थे। मैंने एक हिंट दी थी आखिरी लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। वो हिंट को कभी तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की अच्छे से समझी है, सारी आइडेंटिटी तुमको याद है, तो तुम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन कर लोगे। तो जो 2.2 के क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन ही अपन देखें, क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स 3 times इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको प्रूव करना है कि 3 sin inverse x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, और उन्होंने बोला है कि x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से 1/2 है। अच्छा, तो बस सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यार मैं कभी राइट हैंड साइड को देखता हूँ तो अपन राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो क्या दिख रहा है मेरे को, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये चीज मेरे को दिख रही है। ओके, तो यार 3 sin theta माइनस 4 sin cube थीटा क्या होता है, साइन 3 theta। कभी मैंने x को अज्यूम कर लिया किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर, तो आ जाएगा। तो x को मैंने अज्यूम करा साइन थीटा के बराबर, तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स 3 sin theta माइनस 4 sin cube थीटा। बस ये एक स्टेप, ये सब्स्टिट्यूशन क्लिक होना चाहिए। और ये कैसे होगा भाई, इसको देखो एक्सप्रेशन को, किस एक्सप्रेशन में तुम क्या अज्यूम करो ताकि तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन हो जाए। अब देखो, ये 3 sin theta माइनस 4 sin cube थीटा क्या हो जाएगा, साइन 3 theta। ओके, अब एक साइन में बदल गया तो साइन इनवर्स साइन 3 theta, बेसिक प्रॉपर्टी इनवर्स की। कब 3 theta होता है, जब 3 theta बिलोंग्स टू, क्या होता है 3 theta बिलोंग्स टू, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो उसको देखने के लिए पहले इसको देखते हैं। इन्होंने बोला है x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से 1/2, तो मैंने x को क्या माना था, साइन थीटा, तो साइन थीटा बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से 1/2। तो अब थीटा बिलोंग्स टू देखना है, तो थीटा बिलोंग्स टू भाई साइन थीटा, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस 1/2, क्योंकि साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसी तरीके से लिखेंगे साइन 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो थीटा बिलोंग्स टू साइन इनवर्स माइनस 1/2 कब होता है, माइनस पाई बाय 6, और ये कब होता है, पाई बाय 6। तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 6 है, तो 3 theta बिलोंग्स टू क्या होगा, वहीं से अपन देखें तो 3 theta बिलोंग्स टू तुम्हारा आ गया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। जब 3 theta बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 है, तो साइन इनवर्स साइन 3 theta का आंसर क्या आएगा, 3 theta, और 3 theta थीटा क्या था, थीटा क्या था, साइन इनवर्स x, थीटा साइन इनवर्स x है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 sin inverse x। इस तरीके से ये सवाल करने थे, क्लियर है बात, पक्का, तो बस ये अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से क्वेश्चन देखते जाते फटाफट और तुम लोग करते चलो क्वेश्चंस को, है ना। चलो ये नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके। 2.2 के मैंने 2 questions और लिए, 5th और 6th। सेकेंड क्वेश्चन सेम है, प्रूव ही करना है, उसमें भी राइट हैंड साइड को ले लेना, x को अज्यूम कर लेना cos थीटा, तो वो बन जाएगा 4 cos cube theta माइनस 3 cos theta वाला, और वही cos 3 theta, 3 theta बाहर निकल जाएगा। कब 3 theta होता है, जब 3 theta बिलोंग्स टू 0 से पाई होता है। ओके, वो चीज़ समझ में आ जाएगी, कर लेना खुद से। अब 5th question देखो भाई, 5th question में कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगा है, तो जब भी अंडर रूट 1 + x² आए तो x को अज्यूम करना है क्या, 10 theta या cot थीटा। कभी मैंने यहाँ पे x को 10 थीटा अज्यूम करा तो ये क्या बनेगा, 1 + tan² थीटा, दैट इज sec थीटा, sec थीटा माइनस 1/10 थीटा। तो मैंने क्या करा, x को अज्यूम करा
tan theta. अब x should not be equal to 0, तो theta should not be equal to 0. ये बात तो यहाँ से क्लिक हो गई, क्योंकि इन्होंने दिया है x should not be equal to 0. अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है. तो x should not be equal to 0 मतलब theta should not be equal to 0, क्योंकि जब x 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा. ओके और उस केस में tan inverse क्या हो जाएगा, अंदर जो आ रहा है वो अनडिफाइंड हो रही है ना, मतलब ये क्वांटिटी, इसलिए इन्होंने बोल दिया x should not be equal to 0. चलो अपन ने तो ये सब्स्टिट्यूशन कर लिया, पुट x is equal to tan theta. तो सवाल में रख देते हैं, रख दो भैया सब अपनी कॉपियों में. tan square theta minus 1 upon tan theta, इतना आया. तो 1 plus tan square theta, क्लास 10th की मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी क्या होता है, sec square theta, उसका अंडर रूट, दैट इज sec theta minus 1 upon tan theta, ये हो जाएगा tan inverse, है ना. चलो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई. अब वही sin cos में बदलते हैं, तो ये होगा tan inverse 1 minus cos theta upon sin theta. क्लियर, इसको लिखोगे 1 अपॉन cos theta minus 1 अपॉन sin theta by cos theta, cos theta cos theta cancel, 1 minus cos upon sin. अब 1 minus cos theta क्या होता है, 2 sin square theta by 2. भाई 1 minus cos theta क्या होता है, 2 sin square theta by 2. कैसे आया ये, 1 minus cos 2 theta पता है ना क्या होता है, 2 sin square theta. तो यहाँ पे एंगल थीटा हो गया, तो यहाँ पे एंगल उसका आधा, थीटा बाई टू. सिमिलरली ये क्या है, साइन थीटा, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा. तो जब मैं इसको थीटा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, थीटा बाई टू थीटा बाई टू. क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री लर्निंग विद पैशन से हम बड़ोला चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे ये सारी आइडेंटिटी डिटेल्ड में डिस्कस की है. तो बस अब उनका एप्लीकेशन है, क्लास 12 में बताएंगे थोड़ी कि अब कैसे आई, है ना. तो tan inverse 1 minus cos theta क्या है, 2 sin square theta by 2 upon sin theta को क्या लिखोगे, 2 sin theta by 2 cos theta by 2. तो sin theta by 2 से sin theta by 2 एक cancel, और ये बना tan inverse tan theta by 2. तो tan इनवर्स से tan थीटा बाई टू क्या होगा, थीटा बाई टू कब, जब थीटा बाई टू बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा. ओके तो थीटा अपन ने क्या माना था, tan इनवर्स x. भाई थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, कभी x tan थीटा है तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x. तो इसका आंसर क्या हो गया, tan इनवर्स x अपॉन टू. क्लियर, यहाँ पे लिख देना थीटा बाई टू belongs to minus pi by 2 से pi by 2. ओके पर 0 नहीं हो सकता, माइनस कर देना 0. ओके बात क्लियर, तो आंसर क्या हो गया, tan इनवर्स x by 2. सिमिलरली ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन क्लिक हुआ, बस पहली स्टेप सब्स्टिट्यूशन क्लिक हो जाए, x को क्या रख सकते हैं, sec theta भी रख सकते हैं, और x को क्या रख सकते हैं, cosec theta भी रख सकते हैं. कभी मैंने x को sec theta रखा तो ये क्या बनेगा, sec square theta minus 1, that is under root में tan square theta, तो वो बनेगा 1 upon tan theta, that is tan inverse cot theta. काम नहीं हुआ यार, tan inverse tan में कुछ बनता तो हमारा काम हो जाता. अब x को मैंने क्या रखा, cosec theta, put x is equal to cosec theta. कुछ भी assumption कर सकते हो ना, x की जगह sec theta भी assumption करोगे तो भी ये under root खत्म हो जाएगा, और x की जगह cosec theta assume करोगे तो भी under root खत्म हो जाएगा. तो tan inverse 1 upon under root of cosec square theta minus 1, that is tan inverse 1 upon under root of cosec square theta minus 1 क्या होता है, that is cot square theta. तो ये बनेगा tan inverse tan theta, ये बना theta. कब, अच्छा यहां तक आ गया, यहाँ तक आ गया. अब अपन थीटा नहीं बोल सकते, थीटा कब बोलेंगे, जब थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ओपन इंटरवल होगा. अब अपन ने एक्स को क्या माना था, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा
बेसिकली बिलोंग्स टू आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी. क्लियर? अच्छा, कोसेक थीटा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी. क्यों? क्योंकि मॉड एक्स. तो यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, और एक्स की जगह कोसेक थीटा रख दिया तो ये आ गया कोसेक थीटा. ओके, अपने को मेन तो थीटा पे कमेंट करना है. तो थीटा क्या होगा भाई? कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज, पर उसमें से माइनस वन और वन को क्या करना है? एक्सक्लूड. तो माइनस वन कब होता है? पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू पे और प्लस पाई बाय टू पे. तो वो दोनों पे ओपन इंटरवल लगा दो. तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू माइनस जीरो. क्लियर? तो भाई ये जो थीटा अपने को जो डेफिनेशन दी है वहां पे थीटा जो अपना आ रहा है वो बेसिकली माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच का ही है ना. ये जो थीटा है ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच का ही है. तो टेन इनवर्स से टेन थीटा क्या हो जाएगा? हमारा थीटा हो जाएगा. और थीटा अपन ने क्या माना था? कोसेक इनवर्स एक्स. तो ये अपना आंसर आ गया, कोसेक इनवर्स एक्स. ओके, पक्का बात समझ में आ गई है ना. तो ये अपना आंसर आ गया कोसेक इनवर्स एक्स. तो सिक्स्थ का आंसर क्या हो गया? कोसेक इनवर्स एक्स. बात समझ में आई? केवल एक सब्स्टिट्यूशन तुमको करना है. कभी सब्स्टिट्यूशन सही करा तो आंसर तक पहुंच जाओगे, कभी सब्स्टिट्यूशन कुछ कर दिया गलत कॉम्प्लेक्स तो करे जाओ आंसर तक नहीं पहुंच पाओ. तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज अच्छे से दिमाग में हैं, मैंने क्लास इलेवेंथ में भी जब मैं बता रहा था मैंने बोला था ये सब चीज़ें याद कर लेना, तो ये जल्दी जल्दी क्लिक होंगे ना, नहीं तो फिर याद करोगे अच्छा ये होता है वो, फिर समय ले लेगा. चीज़ें तो कर पाओगे पर समय तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा. तो टाइम के साथ काम करना है तो चीज़ें याद रखो तो जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएगी. नोट कर लो भैया ये दो क्वेश्चन और. और तुम लोगों के सामने एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12 सेवेंथ और एट्थ क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. क्या करें भैया इसमें? तो यार टेन इनवर्स कुछ सब्स्टिट्यूशन लग रहा है क्या? सीधे ही हो रहा है यार. वन माइनस कॉस एक्स अभी बताया क्या होता है? टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू. ओके खत्म. यहाँ पे एक्स अपने को पता है लेस देन पाई है. तो ये क्या हो गया? टेन इनवर्स टेन एक्स बाय टू. भाई अंडर रूट में आएगा टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, वो बाहर निकलेगा एक्स बाय टू. ये कब एक्स बाय टू होता है? जब एक्स बाय टू बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू हो. क्लियर? तो ये एक्स बाय टू की बात है तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? माइनस पाई से पाई. क्लियर? अब इन्होंने बोल दिया एक्स लेस देन पाई, तो एक्स लेस देन पाई में अपनी बात आ गई. एक्स लेस देन पाई मतलब क्या? एक्स लेस देन पाई, पाई से छोटा है एक्स, तो क्या आंसर आएगा? एक्स बाय टू. बात समझ में आई? पक्का? क्योंकि इसके अपर साइड में पाई आ रहा है ना, तो पाई से छोटा माइनस पाई से पाई वाली वैल्यू ओपन इंटरवल यहाँ पे लिखा ही था एक्स लेस देन पाई. तो आंसर क्या हो गया इसका? एक्स बाय टू. अब इस वाले में इसमें भी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है यार, सीधे ही हो रहा है ये भी. टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. तो मैं ऊपर से कभी कॉस एक्स कॉमन निकाल लूँ है ना, तो ये बनेगा वन माइनस टेन एक्स. नीचे से भी कॉस एक्स कॉमन, और न्यूमरेटर का कॉस एक्स और डिनोमिनेटर का कॉस एक्स कैंसिल, तो वन प्लस टेन एक्स. भाई कॉस एक्स ऊपर से कॉमन निकाला, कॉस एक्स नीचे से कॉमन कैंसिल, ये बना वन माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स. क्लियर? क्या ऐसा बोलो, न्यूमरेटर में कॉस एक्स से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स से डिवाइड किया. ओके तो ये बन गया बात एक ही, एक्स लेस देन पाई. अच्छा तो वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स दैट इज टेन इनवर्स. ये क्या लिखा है? टेन पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स. क्लियर है ये?
अरे ये 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। सब आइडेंटिटी डिस्कस कर चुका हूँ मैं क्लास 11th में। 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा, दैट इज एक्स लेस देन पाई। तो टेन इनवर्स टेन थीटा कब थीटा होगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स कब होगा, इन्होंने बोला है एक्स लेस देन पाई है। ओके तो पाई बाय 4 माइनस एक्स शुड बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल। तो यहां से तुम एक्स की वैल्यू देख सकते हो, क्लियर है बात, पक्का इधर जाएगा है ना। तो ये बेसिकली ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा, 3 पाई बाय 4। x belongs to यहाँ से आ रहा है तुम्हारा पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। ओके दैट इज x लेस देन पाई आ रहा है ना, x लेस देन पाई डोमेन थी उसी के अंदर की वैल्यूज आ रही है, क्लियर। तो अपन सीधे लिख देंगे पाई बाय 4 माइनस x, ये आंसर। ओके क्लियर है बात, ये नोट कर लेना। नंबर 9th और 10th देखते हैं यार, इसमें देखो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब्स्टिट्यूशन करे क्या, सब्स्टिट्यूशन करे मैं x को क्या रखूं कि अंडर रूट खत्म हो जाए। तो मैं x को a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी रख सकता हूं और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा भी रख सकता हूं। कभी मैंने यहां पे मानो a स्क्वायर क्या रखा, cos स्क्वायर थीटा है ना, तो ये क्या बनेगा डिनोमिनेटर में, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पर मेरे को न्यूमरेटर में साइन बनाना है क्योंकि साइन बाय कॉस ही टेन बनेगा। तो ये दो स्टेप आगे का तुमको सोच के सब्स्टिट्यूशन करना है भाई। यहाँ पे मैं पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा भी रख सकता हूँ और ए साइन थीटा भी रख सकता हूँ, ये अंडर रूट गायब हो जाएगा दोनों से, पर मैं क्या रखूँगा ए साइन थीटा, क्योंकि मैं a sin थीटा रखूंगा तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा sin थीटा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा cos थीटा, और वो होता है बेसिकली tan थीटा के बराबर। तो tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है ना। तो ये तुम्हारा a बाहर निकला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो बाहर निकला, ये बना tan इनवर्स tan थीटा, क्लियर। अच्छा ये तो आ गया, अब यहाँ पे अपन x की बात कर लेते हैं। मॉड x तुमको दिया है लेस देन a, तो अपन ने x क्या माना था a साइन थीटा, वो बेसिकली उसका मॉड तुमको दिया है लेस देन a है ना। तो अपन मान लेते हैं a साइन थीटा जो है वो माइनस a से प्लस a लाई करेगा, तो साइन थीटा बेसिकली लाई करेगा माइनस वन से वन है ना। अरे इस इक्वेशन से यही आएगा मॉड a साइन थीटा इज लेस देन a, मॉड a साइन थीटा इज लेस देन a, तो a साइन थीटा इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड ए साइन थीटा इज लेस देन ए, यही आता है। तो साइन थीटा तुम्हारा आ गया माइनस वन से वन, तो थीटा तुम्हारा क्या आ गया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, क्लियर। थीटा आ गया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो टेन इनवर्स से टेन थीटा क्या होगा थीटा के बराबर, थीटा तुमने क्या माना था थीटा, तुमने थीटा आ गया, अब तुमने a साइन थीटा बराबर क्या माना था x, तो थीटा तुम्हारा हो गया साइन इनवर्स x बाय a, क्लियर। अरे a साइन थीटा जब x है, a साइन थीटा जब x है तो ये उधर जाएगा, तो साइन थीटा क्या आएगा x अपॉन a और थीटा क्या आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, तो ये आंसर आ गया साइन इनवर्स x अपॉन a, क्लियर पक्का भाई। तो पहले ये देखना पड़ता है कि थीटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लाई कर रहा है कि नहीं, तभी अपन टेन इनवर्स से टेन थीटा थीटा रख सकते हैं।
रख दिया. क्लियर. टेंथ क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूशन बेस्ड. क्या है भैया इस क्वेश्चन में, देखो सब्स्टिट्यूशन उसके बाद तो फिर वही है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी वाली आइडेंटिटी वाले सवाल, वो तो तुम लोगों ने लगा ही नहीं होंगे. तीसरा चौथा वो मैंने डिस्कशन नहीं किया क्योंकि उसमें तो सीधे वैल्यूज हैं, टेन इनवर्स वन अपॉन टू प्लस टेन इनवर्स समथिंग. क्या करोगे, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, वो करना है. अब अपन तो इसकी बात कर लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है. पहले खुद से सोचोगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन करें कि ये एक आइडेंटिटी बन जाए, तो मेरे को तो देखने से ही दिख जाता है कि यार ये ए क्यूब दिख रहा है, ये थ्री ए स्क्वायर दिख रहा है, ये एक्स क्यूब दिख रहा है और ये थ्री ए एक्स स्क्वायर दिख रहा है. कभी मैं एक्स को ए टेन थीटा रख देता हूँ मान, तो ये क्या बनेगा, 3a क्यूब tan. देखो इसको अपन ऐसे देखते हैं, tan इनवर्स कभी मैंने पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा. ओके, a ग्रेटर देन 0 है और x की वैल्यू क्या है, माइनस a बाय रूट 3 से प्लस a बाय रूट 3 तक. तो पहले अपन उसको देख लेते हैं, पहले ये सब्स्टिट्यूशन सही है कि नहीं तो अपन इसको देखते कुछ बन भी रहा है कि नहीं. टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा. तो देखो a क्यूब यहां भी है, 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 ये इसको लिख सकते हैं ए क्यूब यहाँ है, इसको लिख सकते हैं ए क्यूब. तो ये ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब कैंसिल हो गए, तो ये बना टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा. कोई आइडेंटिटी दिख रही है, टेन 3 थीटा की आइडेंटिटी है ये, टेन इनवर्स टेन 3 थीटा. यहाँ तक रुक गए अपन, tan इनवर्स tan 3 थीटा, कब 3 थीटा होता है, जब 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू होता है. तो अपन अब देखते हैं, इस x की जगह अपन a tan थीटा लगते हैं, a tan थीटा क्वेश्चन में क्या दिया है, माइनस a बाय रूट 3 से प्लस a बाय रूट 3. a पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, a ग्रेटर देन 0 दे रखा है तुमको. ओके, अब tan थीटा तुम्हारा आ गया माइनस 1 बाय रूट 3 से प्लस 1 बाय रूट 3, तो थीटा क्या आएगा तुम्हारा, थीटा क्या आएगा, माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 6. तो 3 थीटा क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. तो जब tan इनवर्स tan 3 थीटा, जब 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हो जाता है, तो ये क्या आता है, 3 थीटा के बराबर. और थीटा क्या कैसे निकलेगा, यहाँ से tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये आया 3 tan इनवर्स x अपॉन a. इस तरीके से तुमको एग्जाम में करना है. क्लियर. तो ये जो डोमेन दे रखी रहती है ना, इसका क्या उपयोग है भाई, जो भी तुम सब्स्टिट्यूशन करो उसको पुट करोगे, तो ये तुम्हारा आ गया a tan थीटा बिलोंग्स टू माइनस a बाय रूट 3 से प्लस a बाय रूट 3. अब a कैंसिल हो जाएगा, कभी a ग्रेटर देन 0 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि सब पॉजिटिव नंबर है, तो कैंसिल हो गई ये a. तो tan थीटा आ गया माइनस 1 बाय रूट 3 से 1 बाय रूट 3, तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाय 6, उधर आएगी पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 6, थीटा बिलोंग्स टू, तो 3 थीटा बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. जब 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा कैसे खुलेगा, 3 थीटा के फॉर्म में, तो लिख लिया उसको 3 tan इनवर्स x अपॉन a. ओके, तो यार ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके से तुमको अप्रोच करना है. ओके, मेन चीज बस ये, जिसको क्लिक हो गया कि क्या सब्स्टिट्यूट करे कि आंसर तक पहुंचा जाए. तो देखो ये मेरे को कैसे क्लिक हुआ, a क्यूब दिखा, यहां पे अपन ने जैसे ही a tan थीटा रखा
तो ये क्या बन रहा है, 3a³ tan थीटा। मेरा मन था बस टेन थीटा को देखना, ये a से मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं चाह रहा था 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा बन जाए, मैंने वो बना दिया। ओके, a क्यूब अपने आप कैंसिल हो गया, x को मैंने a tan थीटा अज्यूम कर लिया तो कैंसिल हो गया। आई बात समझ में, क्लियर? तो ये नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, इसके अलावा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एक बार मैं देख लेता हूँ पूरी एक्सरसाइज, कुछ और क्वेश्चन है क्या ऐसे। भाई ये जो थर्ड क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 2 upon 11 plus 10 inverse 7 upon 24, क्या करोगे? टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी वाला फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 minus ab, प्रूव कर दें ये तो हो जाएंगे, है ना। अच्छा, ये जो 13 क्वेश्चन है, टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x² प्लस कॉस इनवर्स 1 minus y² upon 1 plus y², क्या करोगे इसमें? भाई इसमें x को अज्यूम कर लो 2 tan थीटा, x को क्या अज्यूम करोगे? tan थीटा। तो ये बनेगा 2 tan थीटा upon 1 plus tan² थीटा, वो क्या होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो और उधर y को क्या अज्यूम करोगे? tan थीटा, क्लियर? तो 1 minus tan² थीटा upon 1 plus tan² थीटा भी क्या बनता है, समझ पा रहे हो भाई? ये फॉर्मूले किसके हैं? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, 1 plus tan² थीटा, रुक जाओ, 1 minus tan² थीटा upon 1 plus tan² थीटा, ये फॉर्मूला किसका है? cos 2 थीटा का, है ना। तो बस वो लगेगा इसमें। तो x को भी अज्यूम करना है क्या? tan थीटा, और y को भी अज्यूम क्या करना है? tan थीटा, है ना। ये फॉर्मूला किसका है? cos 2 थीटा का। और इधर तुम 2 tan थीटा upon 1 minus tan² थीटा, किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा का। तो वो खुल जाएंगे, क्लियर? पक्की बात समझ में आई? 4 थीटा और ये हो जाएगा tan 2 थीटा, बेसिकली आंसर आया tan 2 थीटा, है ना। और थीटा तुमने क्या माना था? tan इनवर्स x, तो उस हिसाब से। ओके, तो भैया ये क्वेश्चन कर लेना, सब सब्स्टिट्यूशन के खुद से भी कुछ करने के लिए छोड़ रहा हूँ, है ना, कर लोगे। ये 15 वाला भी हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगाना है, x की वैल्यू निकाल लेना। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे तुम लोगों से हो जाएंगे। आप आइडिया मिल गया ना किस तरीके से अप्रोच करना है? हिंट दे दी मैंने क्वेश्चन की, जो मेरे को एक और अच्छा लगा था उसकी, करना खुद से। ओके, नहीं बनता है तो पूछ लेना कमेंट करके। ओके, तो दैट्स ऑल। ओके, करो भैया जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो।